एल्विश यादव की रेव पार्टी के पुलिस जांच से सामने आया है। एल्विश यादव की रेव पार्टी, एल्विश यादव कहां था भाई रेव पार्टी में, पुलिस ने तो नहीं बताई। राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का व्लॉग हमारा बहुत ज्यादा सेम होने वाला कल के, क्योंकि शूट चल रही है भाई गुड़गांव एपिसोड 3 की। बजट फूकरा का मोटा और हमारे भाई छत्तीसगढ़ से स्पेशल आ गए, भाई। भाई का सीन था बहुत इंपॉर्टेंट सीन, तो भाई छत्तीसगढ़ किसी काम में था। मैंने बोला भाई आपको सीन देना पड़ेगा आगे कल ही। भाई कब तक हुआ, इधर वापस छत्तीसगढ़ जाना, फिर आपको यहाँ क्या होगा, शाम को फिर वापसी सीन देंगे। ये जिंदगी चल रही है रूटीन में। चलो एपिसोड निपटाते हैं, और पीछे एक स्पेशल गेस्ट भी है हमारे साथ, ये देखो। अच्छा ये भी है भाई, ये भी है। और भाई सृष्टि अर्चित को पसंद करा भाई, कल अर्चित ने कबूल करवा दिया इसको। और चलो कोई नहीं, तेरी पसंद थोड़ी मोटी है बट इट्स ओके। एमएलए साहब जी, मैं कहा ट्रैक्टर देखो क्या तगड़ा लग रहा है आपका। अनूप जी वाओ, अपने दूसरा पैर मत तोड़वा लेना भाई इसके चक्कर में, शूट पे कहते पैर चला जा। धन्यवाद भाई साहब, मैंने तो संतरा खाई है भाई। भाई ले ले पानी, क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, ट्रैक्टर ले लिए जाऊं क्या? अरे भाई सीन स्टार्ट, रेडी भाई सारे, मेरी फ्लाइट है फिर। भाई एल्विश कैन लग रहा है कि ये दीवार जुगर यह होगी 4.5-4.5 फुट की, और इस तरफ पूरा घेरा है, तो भाई बिना पैर टच करे हाथ हाथ से कूदना हो जाएगा मोशन। अल्ट्रा मा लेवल बेस्ट यू नो, हो गया तो अभी इनाम दूंगा, एक बड़ा सा इनाम दूंगा, बड़ा सा बड़ा सा इनाम देगा, मेरा ही दे देगा मुझे। नहीं नहीं, मैं अपना बहुत छोटा इसका। हां एक सेकंड भाई, टास्क है बिना वो करे टच करके, पैरों के लिए वो तो दो जगह। अरे तो भाई ये अच्छा, तो इनाम किस बात का, मेरा बहुत नसीब वाले को मिला है। हां करियो करियो करके दिखा दे एक बार जल्दी लड़के। अरे सॉरी आवाज है, सॉरी आवाज है, ले टच हो गया थोड़ा सा, तू कर दे टच हो गया बस। अरे इस साइड ही हो है यार, इजी तो है। कितने पैसे मिल रहे हैं, रुकियो, कितने पैसे मिल रहे हैं? अच्छा बनाओ बनाओ यार, मेरे में ये पैर में अड़ जाएगा, मेरे पैर लंबे हैं। अरे नीचे करके कूदो ना, इतना डरपोक है। अरे चेक फेल हो जा, वैसे ना लोअर पैर का मेरी जींस है, तार दे नंगा हो जा। अरे भाई जगह नहीं है इधर की साइड, उसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है भाई। ये देख ये देख, अरे हट, इधर तो पेड़ है, हवा बाज भाई, मैं वही कह रहा हूँ इधर मेरे पैर रड़ रहे हैं। चलो बाय गाइस, हट जाओ रुक जाओ, लास्ट लास्ट ट्राई। अरे बक्का किसी तक डाइव मार दो ना, इधर से आ जाओ यार, पेड़ है यार, जगह पेड़ है इसको ऐसे पकड़ ले, बहुत सारे पेड़ है, जैसे जैकेट पकड़ रखे मेरा भी पकड़ ले। चलो कर रहा हूँ मैं, थ्री टू। अबे यार तू भाई नहीं कर पाएगा, ब्लॉग बंद कर दो, बेइज्जती करवाने का ठेका लगवा रखा है क्या तूने भाई? यार ये भाई उधर ज्यादा स्पेस है, इधर किधर, उधर है स्पेस, ये रहा ना स्पेस। अरे यार तेरी ठुड्डी लागेगी, ठुड्डी लागेगी, ठुड्डी बड़ा नीचे तक करे, नीचे सिस्टम है, इधर आके इस वाली ये ठुड्डी लागेगी, इस पे बढ़ जाएगा सिस्टम। और सुन इसको थोड़ा नीचे कर लेगा भाई, नहीं यार इसको मत करो, ये बेचारे पेड़ पौधे। 3 2 1 अरे यार हवा बाजी देखी मैंने, तुम जैसे नहीं देखी हवा बाजी, ऐसे बोल ले पकड़, बहुत ऊपर है बस की नहीं, हवा बाज बड़े बड़े। कटारेस को बुला लो, आ कटारेस पुसी कैट को बुलाओ इधर, आजा आजा। हेलो भाई, ये चिड़िया भौंक रही है बहुत ज्यादा, चेक रही है भाई, वो ही भौंक रही है, चेक रही है, हमारे माइक में आवाज आ रही नहीं कि हम तो सीन कर रहे हो। पालतू है, शोर कर रही इतना, प्यार से बोलेंगे हम, जाओ बच्चो जाओ, गई 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 गई, चलो 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 चलो, दिनेश भाई का पूरा काट दो सीन। गाइस गाइस भाई जल्दी पैकअप करो इधर से, खोपचा भाई साहब, खोपचा जिसको नहीं पता खोपचा क्या चीज है, खोपचा भाई साहब बहुत पकड़ी चीज है, खोपचा हमारे भाई साहब का है, जिसको नहीं पता विनय भाई का, सेक्टर 83 सामने, क्या ये सफायर मॉल के सामने, सफायर मॉल के सामने भाई, जिसको भी खाना पीना हो तगड़ा खाना अपना प्रमोशन ना भाई चारा। खाना कैसा लगा आज भाई साहब? बहुत तगड़ा होता हर बारी, आज नहीं हर बारी, बहुत तगड़ा खाना खोपचा पे आ गया, यहीं मिले करूंगा तुम्हें मैं ना, यहीं गल्ले पे बैठा, यहीं गल्ले बैठता हूँ मैं, बता देना भाई साहब
खोपचा में शेयर है मेरा, खोपचा में शेयर है मेरा। चलो ठीक है भाई, निकलू मैं भाई। थंबनेल की फोटो खींच रही है, देखो हमारा पैकअप हो गया गाइस। अभी तो नहीं, अभी ना हुआ भाई, अभी अभी क्या बोल रहे हो, पैकअप का हुआ भाई। नेक्स्ट एक्शन भाई, और कुछ करके दिखा, ऐसा ऐसा कर, देख देख नाच के दिखाओ भाई। देखो बहुत चेंज करके देखिए, खुशी वाला, खुशी वाला, खुशी है, खुशी वाला, खुशी वाला। हाथ क्या करूं, हाथ अपने यहाँ धर ले, हाथ यूं रख ले, स्माइली बना लो। खुशी कैसे करता, देख खुशी वाला, देख। अब मैं नाम लेते रहूंगा, तू तू करेगा, ठीक है? देखियो अब पूजा वाला, एक मिनट चुप रहे, खुशी वाला कर दियो, उदास वालो। अब तू प्रेग्नेंट है, अब तू प्रेग्नेंट है, अब प्रेग्नेंट वालो, प्रेग्नेंट है तू, अब तेरा बच्चा हो चुका। भाई ओले तो भाई, शूट चल रहा है अपना, बहुत भयंकर हंसना भाई जी। एक बार अभी बहुत हंस रहे थे, एक बार हटना भाई, इमरान भाई हंस रहे थे भाई, हंसो इमरान भाई, हंसो सब, हंसो एक बारी सब, हंसो हंसो, ऐसे ही हंसो ना। अरे दे दो यार चाबी, दे दो, दो 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 सारे दे दो यार, चाबी नहीं दे रहे, चाबी दिलवाओ, कटारिया की चाबी दिलवा दे। हां ठीक हो गाड़ी की? हाय गाइस, वेलकम नेगेटिविटी अगेन, अगेन मीडिया ट्रायल अगेन। फार्मर प्रोटेस्ट की कवर करने को एलविस यादव का नाम आगे डाल देते ताकि फार्मर्स की न्यूज ना चलाए। वेलकम वेलकम अभी कटारे जी, वेलकम वेलकम भाई। पॉलिटिक्स बड़ी कैडी चीज है भाई, माँ की कसम। कई भाई ये कह रहे थे कि इस पे कमेंट मत करना ना, तो क्या पता कल को कोई और इल्जाम भी लग जाए, बट आई थिंक बोलना चाहिए हमें इस बारे में कि दोबारा से क्या न्यूज़ उठ के आ गई। एक बार चलाना, एक बार न्यूज़ चलाना भाई जी, एक बार फ़ोन में कोई आज तक कुछ भी चला दो, आऊँगा मैं। फार्मर प्रोटेस्ट दबाने के लिए कोई न्यूज़ तो चाहिए, इससे बड़ी TRP क्या मिलेगी। कदा बल्ला हो, एक बारी सांप का जहर मिला, सांप के जहर की पुष्टि हो गई। अरे सांप के जहर को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करोगे तो सांप का जहर ही निकलेगा ना, मेरा क्या लेना देना उससे। देखो चला हो एक बार, ये अभी का ही है, अभी का है, कब का है? 7 घंटे पहले का है, चलाना एक बारी, मैं देखूँ सही मेरे बारे में जिक्र क्या हो रहा, हम भी देखें। आज कुछ सच्चाई बोल दूंगा, बेशक किसी पार्टी को बुरी लगती हो, चला ना। एलविश यादव की रेव पार्टी, एलविश यादव कहाँ था भाई रेव पार्टी में? पुलिस ने तो नहीं बताई, पुलिस को तो नहीं मिला, मैं तो बॉम्बे था। हाँ भाई, नोएडा वाली रेव पार्टी में कहाँ था कटारिया? बॉम्बे थे तुम, नोएडा की रेव पार्टी में बॉम्बे? नोएडा की रेव पार्टी में एलविस तो बॉम्बे था। अच्छा, नोएडा बॉम्बे में भी होगा, बिग बॉस की शूट पे गए थे ना, बुलेरो वाले गाने की प्रमोशन में, वहाँ पे वो भी होगा, आसपास नोएडा होगा, वहाँ चल रही होगी पार्टी, वहाँ चल रही होगी। छो चढ़ता है जब अपनी ऐसे नेगेटिविटी देखते हैं, छो चढ़ता है, तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना तब तुम्हें पता लगेगी कि एलविस भाई गाली को बकरा है। मैं चाहता हूँ भगवान करे तुम भी इतने बड़े आदमी बन जाओ जो भगवान की दया बन रखे हैं, तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, अब समझ आई क्या होता। आगे सुने, रेव पार्टी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, नोएडा पुलिस ने जो सैंपल जयपुर एफएसएल में जांच के लिए भेजे थे उसकी रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि कोबरा और करैत प्रजाति के सांपों के जहर का, सांप के जहर के सैंपल भेजे हैं चेक करने के लिए कि क्या है ये, तो वो ना सांप के जहर निकल आए। सांप के जहर ना, सांप के जहर निकले लैब में 2-3 महीने बाद, उन्हें लग रहा शहद निकलेगा उसमें से 2-3 महीने बाद, इतनी बड़ी तेज लैब है, 2-3 महीने बाद बताई, एकदम से आ गए। अरे भाई साहब इसमें तो वो था, ये सांप का जहर लाए थे ना भाई, सांप का जहर, ये पुष्टि करी है, इसमें मेरा क्या रोल? फोरेंसिक किया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में नोएडा पुलिस ने फेमस यूट्यूबर एलविश यादव समेत सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 खड़े सपेरों के साथ नाम जुड़ता अच्छा भी लगता, और साथ ही जो पूरी प्रक्रिया है ये PFA एक जो संगठन है उसकी तरफ से, ये संगठन साड़ा एक्सटॉर्शन मनी, खोल दें इसकी पोल अभी, ये क्या संगठन है, इसके गूगल करोगे ना तुम PFA समझ आ जाएगा तुम्हें क्या रोल है, कि किसी भी नॉर्मल आदमी पे झूठा केस लगाते हैं फिर पैसे मांगते हैं उससे केस वापस लेने पे, हम तो ले लो ना पैसा, 1 रुपये निकलवा के दिखा दो। शिकायत के बाद की गई थी जिसके अंदर जो सैंपल्स थे रेव पार्टी से लिए गए, वो कथित सैंपल भेजे गए रेव पार्टी, वहाँ सपेरे पकड़ लिए रोड तय, और उनका रेव पार्टी और एलविस की रेव पार्टी, ये प्रूफ करके दिखा दो विद प्रूफ कि मैं वहां पे था और मेरी रेव पार्टी थी, मैं नंगा होके नाचूंगा। अब ये भी न्यूज बजे, एलविस यादव ने बोला वो नंगे होके नाचेंगे, अगर वो प्रूफ हो जाता है एलविस यादव की तरफ से न्यूज आई है करेंगे नागिन डांस। भाई अम्मी का फोन आ रहा है आपकी, लो भाई आप बात कर लो,
ये ब्रेकिंग न्यूज एलविस यादव की तरफ से, एलविस यादव की तरफ से अभी अभी बहुत ताजा स्टोरी डली है सोशल मीडिया पे कि वो नागिन डांस करेंगे। भाई पिछली बार तो ना हमारे कुछ संबंधी थे हमारे थोड़े जिनकी बहुत रिस्पेक्ट थी अभी भी है, उन्होंने बोला कि भाई इस विषय में ना ज़्यादा मत बोलो, मीडिया ना अच्छी चीज़ नहीं है, मीडिया किसका कुछ बना देगी, ये बना देगी, वो बना देगी, बट अपना मेरे सर के पार निकलेगा सब कुछ, अपना मैं वो हो गया बेशरम, अब मीडिया वाले भी देख रहे होंगे, ये वाले ये भी चला देना। भाई साहब भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ नहीं, अगर किसी के साथ भी ऐसा हो ना भाई, अगर आपको ये अनूप जी पे मैं अभी केस लगा देता हूँ कि अनूप जी ने क्या करा, इनने कोई केस लगाई भाई, अनूप जी ने साइकिल ठोक दी, चोरी चोरी करी भी ना भाई के घर पे, कोलगेट चुरा ली, कोलगेट जेब चेक करी तो सही में कुछ पा गया, चल भाई ठीक है मेरे ऊपर। भाई मेरे को एक बात बताओ, आप पे मैं इल्जाम लगा दूं, इल्जाम लगा दूं और विना भाई के कान में बैठा दूं कि विना भाई आपके घर से कुछ ठाया अनूप भाई ने और आपने नहीं ठाया और आपकी चेकिंग हो जाए, आपको क्या लगेगा भाई? बुरा लगेगा, मतलब बहुत ही बुरा लगेगा, अगर चेकिंग के लिए भी खड़ा कर दिया ना भाई, भाई सब खत्म है। हम तो इन्वेस्टिगेशन में भी गए हैं, ऑल्दो पुलिस प्रशासन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वे अपना काम बखूबी करती है भाई, हमारा तो कोर्ट में भी केस चल रहा है, वो कोई दिक्कत ना, अखबार में अगले दिन आ जावे कि कौन सी डेट लगी, तारीख चल रही है, बढ़िया। पर वैसे बुरा लगता है जब झूठे इल्जाम लगते हैं ना कि भाई ये कर दिया फलाने ने, पर हमें तो हाइप मिल रही है भाई, हमारा नाम साड़ा फिर मीडिया में उछल गया, हमें तो बहुत मजा आता है, चाहे नेगेटिवली आ गए गाली बकने वाले आ गए, फंस गया अरे कहाँ फंस गया, कहाँ हथकड़ी, बेवकूफ। इट्स ओके यार, मैं बस अपने दिल की थोड़ी गर्मी बाहर निकाल रहा था, और ऑल दो मेरे को किसी से कोई हेट वेट नहीं है, हम अपने गुड़गांव एपिसोड 3 शूट करा बहुत भयंकर तरीके से। हाँ भाई मजा आ जाएगा, वाह मैं अभी बता दो, अभी तो खैर क्या ही होता नहीं, बता दो कि लड़की आई कहाँ था भाई, वो लड़की जिंदा होके जो आई, ये जो लड़की बैठी जिंदा होके आई कहाँ से आई, जमीन में से कैसे निकली है ये, वो पता लगेगा तुमको कैसे निकली जमीन में से, ये कहीं कोई पोकेमोन तो नहीं, सस्पेंस बहुत तगड़ा रहेगा भाई, तो वो तो नहीं है सैंड स्प्लैश पीले कलर का पोकेमोन है जो जमीन के नीचे से निकल जाता गुर खोद के, ना ना भाई सब पढ़ो आप सैंड स्प्लैश, मैंने पोकेमोन पर रिसर्च कर रहा है, PhD कर रही है, अब ये साढ़े केस लगा देंगे पोकेमोन का भी, पोकेमोन को लगता है गिरफ्त में। अब सीरियस बात करूं, इसको चाहे कॉन्स्पिरेसी कह लो चाहे कुछ कह लो, एकदम से फार्मर प्रोटेस्ट की न्यूज आई, फार्मर प्रोटेस्ट की न्यूज कहाँ दब गई, हमारे नीचे दब गई, एलविस यादव के नीचे दब गई, एलविस यादव ने डाली स्टोरी, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है और देश में और सारी चीजें चल रही है, इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट्स ओके, करते रहो भाई, न्यूज चलाओ देश के भले की, कि देश में क्या क्या हो रहा है, ये झूठे सच्चे केसों के चक्करों में मत पड़ो भाई, पुलिस को अपना काम करने दो, कोर्ट को अपना काम करने दो, वो सजा सुनाएंगी ना, मुझे सुनाएंगी, मुझे मेरे सजा होती दिख जाएगी तब चला लेना, अभी कैसे एक्यूज कर सकते हो मेरे को, अभी तो मेरे को कुछ साबित नहीं हुआ, ना मैं वहाँ पे था, ना मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब, वो तो पुलिस बताएगी। तो भाई हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है, अपने जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, वो जो करेगी सही करेगी, वो किसी निर्दोष को ऐसे बेफालतू में सजा ना मिलने देगी, ऑल्दो मिल रखी है कई लोगों को मिल रखी है, पर ये बोलना पड़ता, कदे बुरा मान जा कोई अंदर, कदे कोई बुरा मान जा। तो भाई जो भी ये झूठे सच्चे इल्जाम लगा के आ रहे हैं ना, एक बार न्यूज़ पढ़ना कि उस न्यूज़ वो जो न्यूज़ चल रही है ना वो है क्या, कि जहर के सैंपल भेजे और ये जहर निकला है, वाओ। ठीक है भाई, अपना अगला सीन करते हैं हम, लास्ट सीन फिर खत्म करते हैं, खत्म गुड़गांव एपिसोड 3।